ओम नमः शिवाय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन भर 5 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज भरणी नक्षत्र लगा रहेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, निरोगी, उत्तम विचार वाले, दृढ़ प्रतिज्ञ और सुखी होते हैं। ये अत्यंत साहसी, प्रेरणादायक, बलवान और रसिक मिजाज के होते हैं। ये धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, फोटोग्राफी, चित्रकारिता, फिल्म इत्यादि में शौक रखने वाले और अति महत्वाकांक्षी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शुक्र और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी मेष राशि में ही चलते रहेंगे। आज के जन्मे जातक पिता के लिए भाग्यशाली माने जाते हैं। आज हम दैनिक राशिफल की चर्चा करने के बाद वृश्चिक राशि के जातकों के अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता के लिए कुछ विशेष उपाय की चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से सुने, नोट कर लें और उस पर अमल कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुखी और संतोषप्रद मानसिकता के लिए प्रेरित करेगा। भावनात्मक रिश्तों का विकास होगा और स्वयं के रख रखाव और ऐशो आराम की प्रवृत्ति बनी रहेगी। साझेदारी के कामों में रुचि बढ़ेगी और नई कार्य योजनाएँ लाभदायक रहेंगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में नए मामले सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में विकास होगा और प्रोन्नति के अवसर संभावित हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए नकारात्मक विचारों में कमी आएगी और विवादित मामले सुलझ सकते हैं। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक निवेश संभावित है और कार्य क्षेत्र के विस्तार का मौका मिल सकता है। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है। खर्च और आवश्यक संसाधनों के मुद्दों पर गंभीर होना जरूरी होगा। हालांकि रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और पारिवारिक रिश्तों में हर्ष और खुशी का माहौल बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की उम्मीद बनती है, मगर परिश्रम करना पड़ेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता बढ़ेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। कुछ जरूरी मामलों में आर्थिक निवेश की स्थिति आ सकती है। साथ ही साथ कुछ रहस्यमयी और उपयोगी विषयों के सीखने की उत्कंठा बलवती होगी और संबंधित मामलों में भी निवेश की संभावना बनती है। भविष्य में यह प्रकरण आर्थिक लाभ के लिए मददगार सिद्ध होगा। व्यावसायिक योजनाओं का विकास चलता रहेगा और आर्थिक लाभ के अवसर सामने आएंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक होगा और परिश्रम का फल मिलता जाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुकून और संतुष्टि वाला महसूस होगा। कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक उत्साह की स्थिति बनी रहेगी और सफलता हासिल करेंगे। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। कुछ पुरानी लाभदायी योजनाओं की पुनरावृत्ति संभावित है। पुराने कर्मचारियों के साथ भावनात्मक तालमेल बिठा कर रखें, लाभ मिलेगा और आवश्यकतानुसार उनकी मदद भी करनी चाहिए। आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, मगर संतान संबंधी चिंता कुछ विषयों को लेकर हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग जारी रहेगा और वैवाहिक मामलों के प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विकास और कर्मचारियों की प्रोन्नति संभावित है। विभागीय अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा और आपका ऊर्जा स्तर बना रहेगा। नई कार्य योजनाओं के लिए रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। सारी सुख सुविधाएं और इच्छानुसार कार्य होने के बावजूद भी मन के कोने में एक खालीपन का एहसास बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा।
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, मगर आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र की निरंतरता और नई कार्य योजनाओं के लिए मित्र व सगे संबंधियों से भी सहयोग मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभावित है, मगर अचानक यात्रा या प्रवास की स्थिति का संकेत मिलता है। निजी संबंधों में तनाव व तर्क वितर्क की स्थिति पैदा हो सकती है। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक प्रयासों में उचित दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, मगर कार्य क्षेत्र में सावधानी आवश्यक है। कुछ मामलों में वाद विवाद व मानसिक भ्रम संभावित है। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और मन में नकारात्मक विचारों के उठने का अंदेशा बनता है। अमावस्या का असर आज भी बरकरार रहेगा, जिससे काम करने में उत्साह और इच्छा शक्ति की कमी संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की प्रतियोगी भावना बरकरार रहेगी, मगर रचनात्मक प्रयासों में कमी का संकेत मिलता है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। धनु राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता में कमी की संभावना बनती है। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में आज चल रहे हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में टालू प्रवृत्ति बनी रहेगी। आलस की मात्रा या विरोध की संभावना भी बनती है। हालांकि सूर्य के उच्च के होने से आपकी सक्रियता और रचनात्मक प्रयास में ज़्यादा कमी नहीं आएगी और कार्य योजनाएँ यथावत चलती रहेंगी, मगर नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव प्रभावित हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी और सरकारी कामकाज में सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा बनी रहेगी। मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उम्मीद बनती है। नई कार्य योजनाओं में आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति लाभ दिलाएगी। निजी और घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ बना रहेगा। यदि सरकारी विभाग में हैं तो प्रशिक्षण के लिए कहीं भी भेजे जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज पराक्रम बढ़ा रहेगा। प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ की मनोवृत्ति बनी रहेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी बना रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ का संकेत मिलता है और संबंधित कामों में आपकी व्यवस्था सफल रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा और भाग्यवश कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। मीन राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में सुधार की प्रवृत्ति बनी रहेगी। हालांकि रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति आज के दिन साथ देंगे और नई कार्य योजनाएं लागू हो सकती हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है। साझेदारी के मामले लाभदायक सिद्ध होंगे। धन संबंधी मामलों में किसी महिला का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। मन की नकारात्मकता और उत्साहहीनता को दूर रखें। आपके हर काम संपन्न होंगे। साथ ही साथ कार्य योजनाओं में जल्दबाजी उचित नहीं होगी। संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है, मगर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि के जातकों को अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलता के लिए ये उपाय करने चाहिए। यदि आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता है, जीवन में संघर्ष की स्थिति है,
तो मिट्टी के पात्र में सौंफ अथवा शहद भरकर सुनसान स्थान पर दबाना चाहिए। यह प्रयोग मंगलवार के दिन करने से जीवन में हर तरफ से अनुकूलता मिलती है तथा इस प्रयोग से शत्रु पक्ष पर अपना प्रभाव भी स्थापित होता है। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं तो लाल मूंग बहते हुए जल में प्रवाहित करने चाहिए तथा घर में मिट्टी के पात्र में शहद भरकर उसका नित्य प्रति सेवन करना चाहिए। यदि जीवन में आकस्मिक बाधाएं आती हैं तो सोमवार के दिन कुएं में गाय का दूध चढ़ाना चाहिए तथा यह प्रयोग 4 सोमवार तक करना चाहिए। यदि दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा हो तो फिटकरी से मंजन करना चाहिए तथा किसी मध्यस्थ व्यक्ति की सहायता से धन प्राप्ति की संभावना देखनी चाहिए। इसके साथ ही वाणी के दूषित होने से यथासंभव बचना चाहिए। शेयर इत्यादि में अकस्मात धन लाभ के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा डालना चाहिए। भोजन से पूर्व गाय के लिए निकाल कर खाना खाएं, अकस्मात उन्नति के अवसर मिलते रहेंगे। संतान सुख के लिए किसी मंदिर के लिए पीले रंग की ध्वजा बनवाकर भेंट करनी चाहिए तथा उसे मंदिर के किसी ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए। दाम्पत्य सुख के लिए कौओं को मीठे चावल डालने चाहिए, इससे दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी। यदि किसी अभिलाषा की पूर्ति करनी हो तो वर्षा का जल एकत्रित करके किसी हरे भरे पौधे में निरंतर 21 दिन तक एक ही समय पर डालना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।